मगर सवाल ये है, मुसलमान दिग्गज लेडीज और जेंट्स जो हर चौराहे पे जैसे ही ट्रैफिक रुकती है वहां पे भीख मांगने वालों की एक कसीर तादाद मौजूद है मुसलमानों में, ये बेगर्स के लिए ज़कात सेंटर क्या पॉलिसी रखती है? ज़कात सेंटर इंडिया जो 8 मदात हैं ज़कात डिस्ट्रीब्यूशन की, उसमें 4 मदात ऐसे हैं जहां पर ज़कात की ओनरशिप ट्रांसफर करना है कि आप मदद ऐसी करें कि पूरी पैसा हो या मशीन हो जो कुछ हो वो उसके नाम पर मुंतकिल हो जाए, कि ज़कात हम रहन पर या कुछ दिन रखने के लिए या इसके लिए हम दे नहीं सकते, बल्कि ओनरशिप के साथ उस चीज़ को देना है। अब यहाँ के टेक्सटाइल इंडस्ट्री ऐसी है कि वहाँ पर अब आजकल बड़े कंप्यूटराइज मशीन्स आ गए हैं कि एक एक सेट में हजारों पैंट शर्ट्स निकल रहे हैं, तो वो हम अगले फेज का काम रखेंगे जहाँ पर मास्टर्स बनाएंगे और जो कि मशीन के साथ लोगों को लाएंगे। अब तो छोटे मशीन दे रहे हैं जहाँ पर छोटे स्लम्स में या छोटे बस्तियों में कुछ ऐसा काम हो जाए, फिर वो हम सेकंड फेज में वो सब चीज़ें लाएंगे कि मार्केट में आपके ज़कात सेंटर की बुनियाद पर कोई फर्क पड़ जाए, ये काम हम कर लेंगे इंशाल्लाह। अब रहा ये कि मुसलमान ये किसी वजह से वो गरीबी इतनी सख्त है कि साहब उनको मजबूर होकर रोडों पर निकलना पड़ रहा है, तो लाजमत है कि आप जब काम करना शुरू करेंगे और फिर हमारा पेश नज़र वो मुसलमानों का तबका है जो कुरान जिसको याद किया है कि वो चेहरों से तो पता नहीं चलता कि उनकी हालत बुरी है लेकिन वो किसी से नहीं मांगते, तो ज़कात सेंटर का टारगेट तो पहले वो लोग हैं जो कस्मा कुर्सी मुस्तैक होने के बावजूद मांगने की उनमें वो क्या कहते हैं कि उतनी शर्म ज़्यादा है, शर्म है, तो वो ज़कात सेंटर पे पहले मुस्तैक है। दूसरा ये कि ऐसे गरीब जो मांगने में तकल्लुफ नहीं करते हैं उनकी भी सपोर्ट करेंगे और उनको थोड़ी सी और भी काम पर लगाएंगे, बैगिंग प्रोफेशन ना बने इसकी भी हम कोशिश करेंगे कि बैगिंग कोई प्रोफेशन ना बने, वो ऐसा पैसे कमाने का तरीका ना बने, उस पर हम बाद में बात करेंगे, लेकिन ज़कात सेंटर की पॉलिसी यही है।